नमाज के लिए विधानसभा में कमरा आवंटित किए जाने का झारखंड के रामगढ़ जिले में भी पुरजोर विरोध देखने को मिल रहा है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले छोटू वर्मा व दीपक मिश्रा के नेतृत्व में रामगढ़ सुभाष चौक पर झारखंड सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया और विरोध व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। विरोधकर्ताओं ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से कक्ष भवन एक विशेष समुदाय के जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध किया जाना यह सरकार की तुष्टीकरण का सबूत है, जिसका हम विरोध करते हैं। इस दरमियान विरोधकर्ताओं ने चौक पर पुतला दहन के साथ साथ सरकार के विरुद्ध में जमकर नारेबाजियां की। झारखंड सरकार की दोहरा नीति का हम हिंदू संगठन के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन रामगढ़ जिला समिति झारखंड सरकार हिंदू विरोधी नीति का आज पुरजोर विरोध करने के लिए सड़क पर उतरा है। झारखंड राज्य में जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जो तालिबान का समर्थन का घोषणा किए, उनका हम लोग विरोध करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी के वरीय पदाधिकारियों से मांग करते हैं, ऐसे तालिबान विचार रखने वाले नेता को यहाँ से खदेड़ के तालिबान भेजे हैं। जामताड़ा के मतदाताओं से हम आग्रह और अनुरोध करते हैं कि इस बार इरफान अंसारी को उनका औकात दिखाए और हेमंत सोरेन जो झारखंड विधानसभा में एक समुदाय को नमाज पढ़ने का अनुमति दिए हैं, दूसरे तरफ हिंदू समाज को दरकिनार किए हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके चैनल के माध्यम से वो जो एक समुदाय को खुश करने का काम किए हैं, वो आदेश को हम वापस लेने का मांग करते हैं। नहीं तो फिर हिंदू समाज को भी नवरात्र पूजा करने का अनुमति दे, हनुमान चालीसा पढ़ने का अनुमति दे, महाआरती करने का अनुमति दे। बार बार हिंदू के साथ हिंदू विरोधी काम ना करें। आज पूरे राज्य में मठ मंदिर बंद है और आप अपने विधानसभा में एक समुदाय को आप नमाज पढ़ने का अनुमति देते और हम हिंदू समाज को मठ मंदिर बंद करने का अनुमति देते, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अनामिका श्रीवास्तव हिंदू रक्षा दल से हूँ और मैं हेमंत सोरेन से ये मांग करती हूँ कि उन्होंने जो विधानसभा में एक नमाज रूम जो अभी अलॉट किया है उसे वापस ले, या फिर हिंदुओं के लिए भी एक ऐसी व्यवस्था करें कि रोज़ वहाँ सुबह आरती हो, शाम को आरती हो, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का हम लोगों को भी अवसर दे। और मैं विधानसभा के जितने भी हिंदू सदस्य हैं हमारे, मैं उनसे भी ये आग्रह करती हूँ कि वो इस मांग को उठाएँ, क्योंकि चार लोगों के लिए अगर वो नमाज रूम दे रहे हैं तो बाकी जितने हिंदू सदस्य हैं उन लोगों की भावना को भी उनको देखना चाहिए। मैं अनामिका श्रीवास्तव हिंदू रक्षा दल से हूँ। झारखंड सरकार की दोहरी नीति, एक ओर जहां विधानसभा में अल्पसंख्यकों को नमाज पढ़ने की अनुमति देती है, दूसरी ओर हमारे मंदिर सारे मंदिर बंद हैं। और वही सरकार के सपोर्ट में जो नेता है कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी, वो तालिबान के समर्थक है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई न सरकार करती है न कांग्रेस पार्टी करती है। हमारा हिंदू संगठन और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन इसकी पुरजोर विरोध करती है। दोहरी नीति बंद करे सरकार, वरना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और सरकार को गिराया जाएगा। हम सुमंदन प्रसाद सिंह जिला अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन। न्यूजलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो WhatsApp करें। हमारा संपर्क नंबर है 1 AC मैरिज हॉल आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। जी हाँ, गणक मैरिज हॉल सबकौड़ी कॉम्प्लेक्स बार्गेन बाजार के पीछे रामगढ़ कैंट रामगढ़। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9835128509 8789654310।